अक्षय कुमार लंबे समय बाद हॉरर कॉमेडी जॉनर में वापसी कर रहे हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म भूत बंगला की घोषणा की गई थी। यह फिल्म काले जादू और माइथोलॉजी पर आधारित होगी, जिसमें महाभारत और वेदों से प्रेरित कई तत्व जोड़े गए हैं। प्रियदर्शन ने हाल ही में बताया कि फिल्म में काले जादू का मुख्य फोकस रहेगा, जो इसे अन्य हॉरर कॉमेडी फिल्मों से अलग बनाता है। अक्षय कुमार ने पहले भी प्रियदर्शन के साथ हेरा फेरी, गरम मसाला और भूल भुलैया जैसी सफल फिल्मों में काम किया है और अब 14 साल बाद दोनों फिर से साथ आ रहे हैं। अक्षय कुमार के इस साल 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, बड़े मियां और छोटे मियां, सरफिरा और खेल खेल में। हालांकि इस साल उनकी कोई और फिल्म रिलीज नहीं होगी, क्योंकि उनकी अगली फिल्म को अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। भूत बंगाल के बारे में बताया गया है कि अब फिल्म दर्शकों के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगी, जिसमें काले जादू और प्राचीन भारतीय ग्रंथों का मिश्रण देखने को मिलेगा। प्रियदर्शन ने बताया कि फिल्म की कहानी में काले जादू का प्रमुख स्थान होगा, लेकिन महाभारत और वेदों से भी कुछ हिस्से जोड़े गए हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। प्रियदर्शन का मानना है कि 42 सालों से जो दर्शक उनके काम पर भरोसा करते आ रहे हैं, वे इस फिल्म से निराश नहीं होंगे। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी हमेशा से ही दर्शकों को हंसाने और गुदगुदाने में सफल रही है और भूत बंगला से भी यह उम्मीदें जुड़ी हैं। प्रियदर्शन का कहना है कि इस बार वे एक नए प्रयोग के साथ हॉरर और कॉमेडी का मिश्रण पेश करेंगे, जो भारतीय सिनेमा में कुछ अनूठा और नया लेकर आएगा। इस फिल्म को लेकर एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही है और इसके साथ बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी जोनर में एक नई लहर आने की संभावना जताई जा रही है। फिल्म को लेकर अक्षय कुमार के प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी।